नमस्कार दोस्तों, आज DJI मैविक को इंडोर फ्लाई कैसे करते हैं और क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए वो उसके बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ, तो देखते रहिए। ओपन करते हैं बॉक्स को। तो सबसे पहले अपना ड्रोन निकाल लेते हैं। ड्रोन निकाल के जाहिर सी बात है बैटरी भी निकालना ही पड़ेगा, रिमोट कंट्रोल भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो काम है, फ्रेंड्स, DJI के ड्रोन सबसे सस्ते इंडिया में कहाँ पे मिलते हैं उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आई लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फोल्ड से अनफोल्ड कर लेना, वो तो सबको पता है, उसके बिना तो उड़ेगा नहीं। लेकिन मेन क्या है, प्रोप्स गार्ड लगा लेना। इसके वजह से ही अपना जो इंडोर है वो सेफ्टी रहेगा, कहीं भी टकराएगा नहीं, अगर टकराएगा भी तो टूटने का डर नहीं रहेगा। इसको ऐसे यहाँ पे क्लिप सिस्टम है, प्रोप गार्ड लगाने के बाद इसको दबा देने से ये क्लिप फंस जाता है और ये प्रोप गार्ड फिक्स हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से दोनों तरफ का क्लिप जो है अच्छे से दबा के टाइट करना पड़ेगा। उसके बाद में एक साइड वाला हो गया, अभी इस साइड वाला भी सेम तरीके से कर लेना है। तो उसको पहले इस तरफ रखिएगा और प्रोप गार्ड के क्लिप को अच्छे तरीके से खोल लीजिएगा। पहले इस लेग को अंदर की तरफ डाल के फिर इसको डालिएगा। यह है सिस्टमेटिक डालने का तरीका, तो कहीं भी फंसेगा नहीं, कहीं भी टूटने का डर नहीं रहेगा। तो इस तरह से इसको बंद कर देते हैं, अपन क्लिप को। ये हो गया बंद। ठीक है, अभी मैविक मिनी में प्रोप्स गार्ड लग चुके हैं और ये सेफ हो चुका है। सेफ इस तरह से कि कहीं पे भी अगर ये लगता है, अगर दीवार इधर आता है तो प्रोप गार्ड में लगेगा, इधर आता है तो प्रोप गार्ड्स में लगेगा। और नीचे गिरने का तो टेंशन है नहीं, क्योंकि वो तो आप कंट्रोलर से कंट्रोल करेंगे। तो चारों तरफ से ये सेफ हो गया, कहीं पे भी अगर लगे तो प्रोप्स टूटने का डर नहीं, और इसका ये जो डंडा है ये भी टूटने का डर नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का आता है। देखिएगा, ये देखिएगा, तो ये टूटने का डर है नहीं, और ये थोड़ा इसका जो प्रेशर है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो प्रोप गार्ड हमने लगा लिए हैं। दूसरा, रिमोट को ऑन करना है। उससे पहले रिमोट को अनफोल्ड करिएगा, अंदर से रिमोट का ये निकलेगा जॉयस्टिक, जॉयस्टिक को लगा लेना है। जॉयस्टिक लग गए हैं, अभी ये केबल हमारा लगा हुआ है। अगर आप में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसको लगा लीजिएगा। इसको लगाने के बाद अभी आपका मोबाइल जिसमें DJI फ्लाई गो ऐप इंस्टॉल्ड है, ठीक है ना, उसको आप सही तरीके से फिट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं मेरा वाला कर रहा हूँ। इसको यहाँ लगाना है, इस तरीके से, और फिर इसको यहाँ रख के इसको इस तरीके से प्रेशर देके फिट कर देना है। सेफ्टी के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, तो फ्लाई करने से पहले गिम्बल का जो कवर है वो हटाना मत भूलिएगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा चीज़ है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपन जैसे इसको स्टार्ट करते हैं तो गिम्बल सेट होता है ऊपर नीचे दाएं बाएं, अगर ये लगा रहेगा तो उसको दिक्कत आएगा, हो सकता है अंदर से मोटर भी फेल हो सके। तो उससे अच्छा है आप उसको निकाल लीजिए। उसके बाद में प्रोसेस आता है हमारा कंट्रोलर ऑन करने का। तो कंट्रोलर ऑन करने से पहले आप अपने DJI फ्लाई ऐप को ऑन कर लीजिएगा। कंट्रोल को एक बार धीरे से और फिर लॉन्ग प्रेस करिएगा। कंट्रोलर हमारा हो गया ऑन। उसके बाद में सेम प्रोसेस, सिंगल प्रेस, लॉन्ग डबल प्रेस, ये टोन जो सुने होंगे आपने, टोनू टू,
ड्रोन हमारा ऑन होने का सिग्नल है। यहाँ पे क्लिक करना है कनेक्ट टू एयरक्राफ्ट, इंस्ट्रक्शन बताएगा कि इसको अनफोल्ड करिए, ये करिए, वो करिए, और ये हमारा ड्रोन ऑन हो चुका है। ठीक है, इसका जो कैमरे का है वो हमको यहाँ दिख रहा है। ठीक, तो दूसरी चीज़ इसका डायरेक्शन देखिएगा, ये जो कैमरा जिधर है वो है सामने की तरफ, इसका मुंह उस तरफ है, जिस साइड में कैमरा है उस साइड में इसका मुंह है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, ये लेफ्ट और ये राइट, तो ध्यान रखिएगा इसका मुंह उसी तरफ रखिएगा। अब आप इसको उड़ाने का टाइम आ गया है। एक चीज़ और कि यहाँ पे जीपीएस तो होगा नहीं, कारण कि इंडोर फ्लाई कर रहे हैं तो जीपीएस का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, बस खुद को ध्यान रखना है कि आगे पीछे दाएं बाएं जो है अपना कंट्रोल सही रखें। यहाँ पे क्लिक करना है टेक ऑफ के बटन पे, इसको थोड़ा दूर रख दो और टेक ऑफ। कितना स्टेबल है वो देखिए, इसका हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये जो ड्रोन है अभी कोई इसको ऑपरेट नहीं कर रहा, रिमोट वहाँ पड़ा है, ड्रोन अपनी जगह एकदम स्थिर है, ना आगे जा रहा है ना दाएं जा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद लाइट की वजह से आपको सही नहीं दिखा हो, तो मैं इसको बंद करके दोबारा दिखा देता हूँ। मैं स्टिक को लेफ्ट साइड करूँगा तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, इसको राइट करूँगा तो ड्रोन हमारा राइट की तरफ जाएगा, इसको सामने की तरफ करूँगा तो फॉरवर्ड जाएगा, इसको पीछे की तरफ करूँगा तो बैकवर्ड आएगा। ठीक है, तो ये आगे पीछे दाएं बाएं, ये हमारा ड्रोन कंट्रोल आगे पीछे दाएं बाएं इससे होता है। और ये वाला जो के है इसका कंट्रोल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका कंट्रोल अपन इसको ऊंचा करेंगे, यानी सामने की तरफ प्रेस करेंगे यहाँ से यहाँ, तो ये ऊपर जाएगा ड्रोन, देखिए ऊपर चला जाएगा। अगर अपन नीचे करेंगे इसको तो नीचे आएगा, ये देखिए, ये देखिए, देखिए ये नीचे जा रहा है। अपन इसको पीछे की तरफ करेंगे ड्रोन हमारा नीचे आएगा, अपन इसको ऊपर की तरफ देंगे ड्रोन हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। और इसको अगर हम बाएं की तरफ प्रेस करते हैं तो ड्रोन हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, और इसको अगर राइट साइड की तरफ करते हैं तो एक ड्रोन हमारा क्लॉकवाइज रोटेट होता है। तो ये जॉयस्टिक का मामला आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको फ्लाई करके देखते हैं।
अब एयरक्राफ्ट को उतारने के लिए हम लोग इसको नीचे दबा के रखेंगे और उसके नीचे हाथ रखेंगे, तो हाथ पे लैंडिंग करवाना है एक्चुअली, हैंड लैंडिंग। तो रिमोट को मैंने एक्चुअली पैर के उंगली से दबा के रखा है और हाथ रखता हूँ यहाँ पे, तो देखिए हाथ पे प्रेस हो गया है। ठीक है, क्या करूँ, एक हाथ में मोबाइल है जिससे मैं शूटिंग कर रहा हूँ, दूसरे हाथ से इसको लैंडिंग करवा रहा हूँ, तो तीसरा हाथ तो है नहीं, इसलिए पैर से ही मैंने काम चला लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया पूछना है इसके बारे में, कुछ नया करना है कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं करके दिखाऊंगा। चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए।